कहानी की शुरुआत में ही हम रंधावा परिवार को देखते हैं, जो कि धनलक्ष्मी स्वीट्स नाम के लड्डुओं का बिजनेस करते हैं और ये बिजनेस इंटरनेशनल है। और रंधावा परिवार की मुखिया है धनलक्ष्मी रंधावा और धनलक्ष्मी रंधावा के पति के नाम है कंवल लूंड। और एक एक्सीडेंट की वजह से कंवल कई साल से पैरालिसिस है और उन्हें एमनीशिया भी है। कंवल और धनलक्ष्मी के बेटे का नाम है तिजोरी और बचपन से ही धनलक्ष्मी ने तिजोरी को अपने पिता से दूर रखा है और तिजोरी भी अपनी माँ की तरह ही है और वो दोनों हमेशा इस पूरे घर को अपने कंट्रोल में रखते हैं और वो दोनों मिलकर ही इस बिजनेस को संभालते हैं। तिजोरी की पत्नी का नाम था पूनम और उन दोनों के दो बच्चे थे, रॉकी और गायत्री, और ये पूरा परिवार एक साथ रहता था। लेकिन धनलक्ष्मी और तिजोरी पूरे परिवार के सदस्यों को अपनी मुट्ठी में करके रखा था और इस घर में कोई भी अपना आवाज नहीं उठा सकता था। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन कंवल एक फंक्शन में एक अनजान औरत को जामिनी कहकर पुकारते हैं और इसके बाद ही उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। फिर रॉकी थोड़ा छानबीन करता है और उसे अपने दादाजी के एक डायरी में से जामिनी नाम की एक औरत की फोटो मिलती है और फिर रॉकी अपने फ्रेंड के साथ जामिनी चैटर्जी को ढूंढ कर निकालने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि जामिनी चैटर्जी फेमस टेलीविजन न्यूज एंकर रानी चैटर्जी की दादी है। और फिर रॉकी रानी चैटर्जी से उसके ऑफिस में मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं, जो कि एक बंगाली फैमिली से है और रानी एक बहुत ही फ्यूरियस न्यूज रिपोर्टर है और रानी की इसी हिम्मत अंदाज को देखकर रॉकी काफी इम्प्रेस होता है। इसके बाद रॉकी रानी से मिलता है और वो अपने दादाजी की पूरी कहानी रानी को बताता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि रानी भी अपनी दादी से बात करे कि वो किसी कंवल लूंड नाम के आदमी को जानते हैं कि नहीं। रानी तो पहले रॉकी की बातों को सीरियसली नहीं लेती और वो रॉकी से मिलकर बहुत ही हंसती है। इसके बाद हम रानी के परिवार को देखते हैं। रानी के परिवार भी दिल्ली में रहते हैं और रानी के दादी के अलावा भी उसके पेरेंट्स भी उसके साथ थे। रानी की माँ अंजलि चैटर्जी इंग्लिश प्रोफेसर थी और रानी के पिता चंदन चैटर्जी एक प्रोफेशनल कथक डांसर थे और रानी अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और ये परिवार बहुत ही ओपन माइंडेड था और इनका परिवार रॉकी के परिवार से बिल्कुल उल्टा था। इसके बाद रानी मजाक मजाक में अपने दादी जामिनी चैटर्जी को कंवल लूंड और रॉकी के बारे में बताती है और कंवल लूंड का नाम सुनते ही रानी की दादी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो रानी को बताती है कि 1970s में वो अपने एक बहन के साथ शिमला घूमने के लिए गई थी और तभी उनकी मुलाकात कंवल के साथ होती है और उन दोनों को ही शायरी का बहुत शौक था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो लोग एक हफ्ते एक साथ थे लेकिन वो दोनों ही शादीशुदा थे और अपना अपना घर तोड़ने का हिम्मत उन दोनों में ही नहीं था, इसीलिए वो लोग अपने इस प्यार को कुर्बान करके अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए थे और बस उनके पास यही यादें रह गई थी। और रानी को समझ में आता है कि रॉकी जो कुछ भी कह रहा था वो सच था। इसके बाद रानी रॉकी से कांटेक्ट करती है और वो रॉकी को कहती है कि उसकी दादी ने भी रॉकी के दादाजी को पहचान लिया है और वो लोग रॉकी के घर में जाकर जामिनी और कंवल को मिलवाने का फैसला करते हैं और पूरा परिवार रॉकी के घर में इकट्ठा होते हैं और जामिनी और कंवल बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिलते हैं और जामिनी कंवल को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश तो करती है लेकिन पहले कंवल को कुछ याद नहीं आता और वो लोग जब निराश होकर वहां से जाने लगते हैं तभी कंवल जामिनी को रोकते हैं और उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, यहाँ तक कि उन लोगों का फेवरेट सॉन्ग भी, और ये देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉकी भी धीरे धीरे रानी को पसंद करने लगता है और वो एक दिन रानी को उन दोनों के दादा दादी को मिलवाने का प्लान बनाते हैं जो कि रॉकी की दादी और उसके पिता को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बवाल हो जाएगा। इसके बाद रॉकी और रानी छुप छुप कर जामिनी और कंवल को मिलवाने लगते हैं और साथ ही में उन लोगों का भी एक रिश्ता शुरू होता है। रॉकी तो धीरे धीरे रानी से प्यार करने लगता है लेकिन रानी के लिए ये रिश्ता सिर्फ टाइम पास था। लेकिन
रानी की दादी जामी ने रानी को समझाने की कोशिश करती है कि शायद रानी रॉकी से प्यार करने लगी है, लेकिन रानी इस बात को नहीं मानना चाहती थी। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन रॉकी को जब पता चलता है कि रानी का बर्थडे है तो वो रानी को एक बहुत ही खूबसूरत सा बर्थडे सरप्राइज देता है और रानी को भी ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद ही जब रॉकी रानी को प्रपोज करने वाला था तभी रानी वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है और रॉकी अपना मौका नहीं छोड़ता और वो फिर से तैयारी करके रानी को एक दिन प्रपोज करने वाला था। उस दिन रानी रॉकी को कहती है कि उसके लिए ये सब कुछ सीरियस नहीं है और वो रॉकी से कोई प्यार नहीं करती, जो बातें सुनकर रॉकी को बहुत बुरा लगता है और वो रानी से जानना चाहता था कि आखिर रानी क्यों उसे प्यार नहीं करती। रानी रॉकी को साफ साफ ये कह देती है कि उन दोनों में कोई मेल ही नहीं है और वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा दिनों तक जानते भी नहीं और उन दोनों के परिवारों में जमीन आसमान का फर्क है और रॉकी और रानी दोनों भी बहुत ही अलग अलग इंसान है। और ये सारी बातें सुनकर रॉकी को बहुत बुरा लगता है और वो ये समझ जाता है कि रानी रॉकी को उसके लायक नहीं समझती। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि तिजोरी और धनलक्ष्मी को भी जामिनी और कंवर के एक दूसरे से मिलने का बात पता चल जाता है और इस बात से रॉकी के घर में बहुत हंगामा होता है। दूसरी तरफ रानी भी अपनी दादी जामिनी को रॉकी और उसके परिवार से कोई भी कॉन्टेक्ट रखने के लिए मना कर देती है। इसके बाद रानी अपने न्यूज चैनल के कुछ काम के लिए कश्मीर जाती है और वहाँ पर जाकर भी रानी रॉकी को बहुत मिस कर रही थी और धीरे धीरे रानी को ये एहसास होता है कि वो रॉकी से प्यार करती है और वो फौरन दिल्ली वापस आती है और वो रॉकी से मिलने के लिए जाती है। लेकिन रॉकी रानी को इग्नोर करता है और ये देखकर रानी बहुत मुश्किल से रॉकी को रोकती है और उसे अपने दिल की बात बताती है और वो कहती है कि पहले वो डर गई थी लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वो रॉकी से कितना प्यार करती है। और ये सारी बातें सुनकर रॉकी का गुस्सा भी शांत हो जाता है और रानी और रॉकी फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन इसके बाद असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्योंकि उन दोनों के परिवार वाले काफी अलग है। वो दोनों तो अब एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन अगर उन लोगों को एक साथ रहना है तो एक दूसरे के परिवार को भी उन्हें समझना होगा। और इसके बाद बहुत सारे आइडियाज के बीच में से वो लोग एक आइडिया को सिलेक्ट करते हैं कि क्यों ना वो दोनों ही एक दूसरे के परिवार के साथ 3-3 महीने रहेंगे, जिससे कि वो अपने अपने परिवारों के तौर तरीकों के बारे में जानेंगे और एक दूसरे के परिवार के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और यही बात रॉकी और रानी दोनों ही अपने अपने परिवार वालों को बताते हैं। रानी के पेरेंट्स तो ये सुनकर ही हैरान रह जाते हैं कि कैसे रानी रॉकी जैसे किसी लड़के से प्यार कर सकती है और उसे शादी करने के बारे में सोच सकती है। लेकिन रानी अपने पेरेंट्स को समझाती है कि रॉकी बहुत ही अच्छा लड़का है और वो उससे सच्चा प्यार करती है और उन लोगों को रॉकी को एक मौका देना चाहिए और ना चाहते हुए भी अंजलि और चंदन रानी की बात मान जाते हैं। तो दूसरी तरफ रॉकी के पिता तिजोरी जब रॉकी के मुंह से ये सारी बातें सुनते हैं तो वो तो बहुत गुस्सा होते हैं लेकिन रॉकी की दादी धनलक्ष्मी बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेती है और वो रॉकी को कहती है कि वो रानी को इस घर में 3 महीने रहने देने के लिए तैयार है और वो तिजोरी को अलग से कहती है कि रॉकी के दिमाग में प्यार का भूत सवार है और अगर वो लोग रॉकी को कुछ भी करने के लिए मना करेंगे तो रॉकी अपना घर परिवार छोड़कर चला जाएगा और वो लोग अपना बेटा खोना नहीं चाहते और इसीलिए उन्होंने रानी को इस घर में आने का परमिशन दिया है। लेकिन वो रानी को इस घर में 1 हफ्ते से ज्यादा रहने नहीं देंगी, जिससे कि उन लोगों को ही अपने अपने प्यार का अंदाजा हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन रॉकी रानी के परिवार के साथ और रानी रॉकी के परिवार के साथ रहने के लिए आ जाते हैं। सबसे पहले हम रानी को देखते हैं जो कि रॉकी के घर में आने के बाद उसके पूरे परिवार को ये कहने की कोशिश करती है कि रॉकी को वो सभी प्यार करते हैं और क्यों ना रॉकी के लिए ही वो लोग एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे को अपनाने की कोशिश करें। लेकिन रॉकी के घर में कोई भी रानी को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो लोग रानी की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिस बात से रानी थोड़ा अपसेट होती है। तो दूसरी तरफ हम रॉकी को देखते हैं जो कि रानी के घर वालों के साथ रहने के लिए आता है और रॉकी के आधे से ज्यादा बात रानी के घर वालों को समझ में नहीं आ रही थी और रानी के पेरेंट्स की कोई भी बात रॉकी को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन रानी की दादी जामिनी काफी सपोर्टिव थे और वो रॉकी को इस घर में एडजस्ट करने के लिए हेल्प करती है।
दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं जो कि रॉकी के दादाजी कंवल को संभालती है और उनकी देखभाल किया करती थी, और साथ ही में वो रॉकी की माँ पूनम को और रॉकी की बहन गायत्री को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में समझाती है और कहती है कि इज्जत दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ से अगर इज्जत दी जाए तो वो इज्जत नहीं बल्कि गुलामी है। और हम देखते हैं कि रॉकी की माँ पूनम को गाना गाने का बहुत शौक था और वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद उन्होंने अपने इस इच्छा को अपने अंदर ही दबा दिया। तो दूसरी तरफ गायत्री स्टॉक मार्केट में छुप छुप कर इन्वेस्टमेंट किया करती है और रानी इन दोनों बातों को ही नोटिस करती है और पूनम और गायत्री को अपने अपने सपने पूरे करने का हिम्मत देती है। दूसरी तरफ रानी के पेरेंट्स रॉकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो रॉकी को अपने घर में और अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करने का कोई मौका भी नहीं देते, और जो बात देख कर रॉकी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एक दिन रॉकी के एक फ्रेंड का संगीत था जहाँ पर रानी के परिवार को भी इनवाइट किया गया था, और धनलक्ष्मी चंदन को इंसल्ट करने के लिए सबके सामने ये कह देती है कि चंदन चैटर्जी बहुत अच्छा डांसर है, इसीलिए चंदन चैटर्जी को वहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस करने के लिए कहा जाता है, और चंदन कथक करते हैं, जो कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी मर्द को कथक करते हुए नहीं देखा, इसीलिए सब वहाँ पर हंसने लगते हैं, और उनमें रॉकी भी था, और ये देखकर रानी और उसका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और चंदन को भी बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं और रॉकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए घर आने के बाद वो चंदन से अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है। चंदन भी अपने दुख रॉकी के सामने जाहिर करते हैं कि कैसे उनके पिता ने भी कभी भी उनके एक कथक डांसर होने के लिए उन्हें सपोर्ट नहीं किया, उनके फ्रेंड्स कैसे उनके पीठ पीछे हंसते थे, लेकिन इन सब के बीच भी चंदन की माँ जामिनी ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। और रॉकी भी कहता है कि वो एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा है जहाँ पर क्या सही है क्या गलत है उन्हें पता ही नहीं, ऐसी कुछ बातें जो कि लोगों को बुरा लग सकता है जो नहीं कहना चाहिए ऐसे बातें उन्हें नॉर्मल लगती है, इसीलिए रॉकी को भी एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और रॉकी कहता है कि उसे भी डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन उसके परिवार को उसका डांस करना पसंद नहीं है और वो कभी भी अपने पिता को हिम्मत करके ये नहीं बता पाता कि उसे डांस करना है। और इन्हीं सारी बातों के बीच चंदन और रॉकी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को एक मौका देते हैं। दूसरी तरफ रानी को चंदन समझाते हैं कि सब कुछ ठीक है, जैसे रॉकी ने उन लोगों पर हंसा है वैसे ही एक दिन वो लोग भी रॉकी पर हंस रहे थे, वो सब एक ही है, तो फिर क्यों न सब कुछ भुलाकर वो सब एक दूसरे को एक और मौका दे और एक नई शुरुआत करे। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी और रानी फिर से नई शुरुआत करते हैं और वो लोग अपने अपने परिवार के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे रॉकी के माँ और बहन भी रानी को पसंद करने लगते हैं, और दूसरी तरफ रॉकी रानी के पेरेंट्स के साथ घुलने मिलने लगता है, और बीच में वो लोग कंवल और जामिनी को भी एक दूसरे से मिलवाते हैं, और रॉकी और रानी भी एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की इज्जत करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन दुर्गा पूजा के लिए रानी के परिवार ने रॉकी के परिवार को इनवाइट किया था, और दुर्गा पूजा के पंडाल में ही रॉकी चंदन के साथ कथक डांस करता है, जो देख कर रॉकी के दादी और उसके पिता काफी नाराज होते हैं, और इसके बाद वो लोग इस बात को लेकर वहाँ पर बहुत तमाशा करते हैं, और ये सब कुछ देख कर रानी से और बर्दाश्त नहीं होता और वो रॉकी के पिता से झगड़ा करने लगती है, और बात बात में रानी उन्हें धक्का देती है जो बात रॉकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो रानी पर गुस्सा करता है कि वो कैसे उसके पिता पर हाथ उठा सकती है, और इस बात पर उन लोगों में झगड़ा हो जाता है और रॉकी और रानी एक दूसरे से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। इसके बाद रानी अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाती है और वो कहती है कि वो अब रॉकी और उसके परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन रानी के पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रानी ने जो किया वो ठीक नहीं था
दूसरी तरफ रॉकी के घर में भी बहुत झगड़ा हो रहा था। इसी बीच रॉकी की माँ पूनम अपना एक गाने का प्रोग्राम टीवी पे ऑन कर देती है, जो देखकर तिजोरी काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, जो देखकर रॉकी अपने पिता को रोकता है और अपनी माँ की इज्जत की रक्षा करता है। इस बात पर तिजोरी और रॉकी में झगड़ा हो जाता है और इसी वक्त कंवल अपने बेटे तिजोरी का नाम लेते हैं, जो सुनकर तिजोरी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि कंवल को बहुत दिनों से अपने बेटे का नाम याद नहीं था। और कंवल तिजोरी को समझाते हैं कि अपना घर परिवार कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और तिजोरी अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ धनलक्ष्मी हमेशा अपने बेटे को अपने पति से दूर रखती थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक कंवल की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन फिर ये पता चलता है कि कंवल की मौत हो चुकी है और कंवल की मौत से पूरे रंधावा परिवार में मायूसी छा जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रानी और उसका परिवार भी कंवल के अंतिम संस्कार पे आए थे, लेकिन रॉकी रानी से बिल्कुल बात नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि कंवल के मौत से रानी और रॉकी का परिवार काफी दुखी था। इसके बाद एक दिन रॉकी ये तय करता है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर ये घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन तिजोरी अपनी पत्नी और अपने बच्चों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक और मौका दे दे। और तिजोरी अपनी माँ को भी ये कहता है कि उनके वजह से ही वो आज अपने पिता से इतना दूर था और अब वो अपने पिता से फिर कभी नहीं मिल सकता, लेकिन ये गलती वो अपने परिवार के साथ नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपने परिवार को चुनते हैं। और ये देखकर धनलक्ष्मी बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ दिन बीत चुके थे और एक दिन पूनम और तिजोरी रानी के घर आते हैं रानी और उसके परिवार से बात करने के लिए। और तिजोरी रानी से अपनी सारी हरकतों के लिए माफी मांगते हैं और रानी भी अपनी गलती के लिए तिजोरी से माफी मांगती है। और इसके बाद तिजोरी और पूनम रानी को कहते हैं कि रॉकी उसके लिए इंतजार कर रहा है और रानी तुरंत रॉकी से मिलने के लिए जाती है। और फाइनली रॉकी और रानी के बीच जो भी प्रॉब्लम्स थे वो खत्म होते हैं और वो दोनों एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धनलक्ष्मी को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो रानी को अपने परिवार की लड्डू बनाने की रेसिपी भेजती है और साथ ही में रानी और रॉकी की नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं भी देती है, लेकिन वो खुद शादी में नहीं आती। और आखिरकार हम देखते हैं कि रॉकी और रानी की धूमधाम से शादी होती है और उनका पूरा परिवार उनकी शादी में बहुत खुश थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।